हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। चार लोग गद्दार हो सकते हैं ना, 50 लोग गद्दार नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने सबका दुख सहन के यहाँ तक आए हैं और हम उनके साथ में रहेंगे। एकनाथ शिंदे साहब ने ये जो उठाव किया वो सही किया, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सब BKC को रवाना हो गए। आज बहुत सारे लोग जो हमने पहले से देखते आए हैं, दशहरा मेलावा जो हम लोग बाला साहब ठाकरे के टाइम से देखते आए हैं, उसी के ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत खुश है। एकनाथ शिंदे के साथ में एंड तक, लास्ट तक हम उनको साथ देने वाले हैं, क्यों वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमको पसंद है। वो सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं और कौटुंबिक ये सब वहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कार्यकर्ता और लोकहित का, जनहित का ध्यान में रखते हुए ये सब कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। भाषण एक नंबर लगा, लोगों का, सर्वसामान्य लोगों को उसका फायदा है, सर्वसामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छा भाषण। आज जो मुख्यमंत्री साहब ने जो भाषण किया वो बहुत ही महाराष्ट्र को, जनता को जो चाहिए वही किया। मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री तो है, कर्मठ है, कष्टकारी है, कर्मराय कार्य है, उनका जो कार्य है वो गरीबों की सेवा करने वाला इंसान है। जो भी मौके जो जनहित के बारे में उन्होंने किए हैं वो सही लगे हैं। जो शेतकरी है जिन्होंने आज तक जो दो बूंद दाने पिघा के सर्वसामान्य जनता को खिला है, उसके बारे में जो मुख्यमंत्री साहब ने जो 50,000 रुपये घोषित किए हैं कि जो शेतकरी को रेगुलर कर्ज फेंटने के बाद मिलने वाला है, ये घोषणा बहुत अच्छी लगी है। एकनाथ शिंदे के सभा सभी के लिए आए थे लेकिन इधर बात चना चला गया, शेतकरी के लिए आज चाहता निर्णय उसने किए। के ठाकरे परिवार के तो 50% से ज़्यादा स्टेज पे थे, नंबर वन। कुछ दिन पहले उद्धव जी की सभा हुई, उसके ऊपर एक कुर्सी खाली रखी थी, जो कुर्सी खाली रखी थी संजय राउत के लिए, यार ये अच्छी बात नहीं है। आज शिंदे साहब ने बाला साहब की कुर्सी रख के उनका मान सम्मान बढ़ाया, ये मुझे कहना है, इसलिए हम लोग एकनाथ शिंदे के साथ में।